लेडीज एंड सोलरीज फाइनली अब एक और केस स्टडी हम लेंगे मॉड्यूल एटी में रिसर्च ऑन एक्स एफिशिएंसी इन यूरोप हमने यूनाइटेड स्टेट का देखा अमेरिका का फिर हमने ये देखा कि चाइना के अंदर इसके एक्स एफिशिएंसी के क्या गेज बने फिर हमने देखा कि ताइवान के अंदर इसकी एप्लीकेशंस कैसे हुई और रिजल्ट आपके सामने क्योंकि इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है लेस है लुक ऑन यूरोप अब यहाँ पे Girdon, और गार्डनर ने 2004 के अंदर जी इन्वेस्टिगेट किया मेन ऑफ इटालियन बैंक्स जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर भी उन्होंने बैंक्स को देखा था कमर्शियल बैंक्स को देखा था और इंडस्ट्री के अंदर भी लगाया गया था लेकिन इधर भी यहीं पर एक्स एफिशिएंसी को देखा गया इटालियन बैंक्स के अंदर एक्स एफिशिएंसी ओवर द सिंगल मार्केट प्रोग्राम डी रेगुलेशन पीरियड उनका था 1993 1996. मैं पर भी बात करना चाहूंगा. अच्छा, को पता होना चाहिए मार्केट लिबरेशन क्या होती है फ्री मार्केट क्या होती है रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है डी रेगुलेशन हर एंटरप्रेन्योर के लिए डी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटरीज के साथ वो नहीं खेलना चाहते वो कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा माइलेज मिले अच्छी बात है अगर आपको डी मिले तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और अगर ना मिले तो उसके लिए गैप अलग से फाइंड करें जरूरी बात यह है कि आपके लिए कोई नई बात नहीं है इवन मैंने बहुत से क्लोज सर्कल्स के अंदर देखा कि लोग जो हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो मेरा अपना रिसर्च है मैंने मजीद इसके ऊपर मैं अनकरीब एक थीसिस डिफाइन भी करूंगा जिसके अंदर आंटरप्रियोर्स नॉर्मली ये चाहते हैं और मुख्त मुल्कों से ये चाहते हैं कि जहां पे टैक्स एम्बेडेड एम्बेडमेंट्स जो हैं और टैक्स रेगुलरिटीज और आपके एफ बी आर और ये चीजें जो एक्टिव ज्यादा हैं वहां क्योंकि वहां पे रेट ऑन मोटिव्स और, और प्रॉफिट मोटिव्स जो हैं हैं या जो है, या प्रॉफिट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम आते लेकिन इधर जो देखा गया कि इस पीरियड के अंदर कितनी एफिशंसी बढ़ी डी रेगुलेशन के पीरियड में पाकिस्तान में डी रेगुलेशन का पीरियड कुछ अरसे में शुरू दोबारा कर देना चाहिए या हो चुका है जब किया तो स्क्वीज स्क् मार्केट बिजनेस आउट हो गया अब क्या होगा जी अब होना यह होगा कि कुछ हर लिए डीरेगुलेशन अगेन ओपन करनी पड़ेगी सर्टन अंदर आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स में देख लीजिए आप लीजिए पावर प्लांट्स में देख लीजिए तो जिस सेक्टर के अंदर आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं वहां के एवरेज को बढ़ा दीजिए लेट्स मूव ऑन टू द एवरेज दी लेवल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप टू द लार्जेस्ट साइज ग्रुप वेयर पॉइंट और फिर इसी तरीके से लाइक वाइज 0.86 एंड 0.83 रिस्पेक्टिवली इस डीरेगुलेशन पीरियड को गेज किया गया जी देन इंक्रीज ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ ऑल बैंक साइज सजेस्टिंग दैट डीरेगुलेशन एंड दर 1992 सिंगल मार्केट प्रोग्राम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन एक्ससी ओवर टाइम सो व्हिच इज वेरी मच इंपोर्टेंट अब आपने यहां पे गौर से देख लिया कि हमने जब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट साइज के अंदर देखा और ये यूनिट को हमने और थ्री के रिस्पेक्ट के ऊपर गेज को लाइनेज किया तो यहां पर आपने देखा कि सिंगल पॉजिटिव प्रोग्राम को एडवांसमेंट मिली और जब हम मुख्त ग एक्स एफिशियंसी को लाएंगे तो हमें रिजल्ट अपने क्लियर समझ आ जाए जाएंगे कि वेदर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड लाना होगा कि हमारे हर एरिया के अंदर कि फ्री मार्केट करनी है फिर लिबरेटिंग आर्मी मार्केट करनी है आ, आपने इसको डी रेगुलेशन में लाना है रेगुलेशन में लाना है आप कौन से इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं आपके जो कर्व्स हैं इकोनॉमिक कर्व्स हैं आपकी वी रिकवरी इस पर आ रही हैं तो आपने नेक्स्ट कौन सा रेगुलेशन प्रोग्राम लेकर आना है सो फर्स्ट वी डिफाइन वी मस्ट हैव टू डिफाइन एवरेज आउट ऑफ एक्स एफिशिएंसी मॉडल इन एवरी कमर्शियल प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ताकि हम नेट रिजल्ट्स की तरफ पहुंच जाएं तो यहां तक हमने ये समझा कि एक्सफिशंसी या एफिशिएंसी मॉडल को यूज करने के लिए हमें गेज को रखना होगा ताकि हमारी इंडस्ट्री फ्लारिश कर सके थैंक यू वेरी मच